नौवारी साड़ी मतलब ये है ना हमारे महाराष्ट्र में पहनी जाती है, तो इसको फोल्ड कैसे होगा? प्रेस तो हो गई मशीन पर, बट इसको फोल्ड कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। तो इसको यहाँ पे जोड़ दिया, बहुत लंबी साड़ी है दोस्तों, ये हो गया। अभी ये ना चौथा फोल्ड हो गया दोस्तों, अभी ये ना चार चार पार्ट में हो गई साड़ी डिवाइड, 1 2 3 4। ओके, ये नॉर्मल फोल्ड है, आप सब लोग जानते होंगे। इसके बाद इसको और एक बार फोल्ड करेंगे, तो ये हो गया हमारा। ये साड़ी का है ना आठवा हिस्सा है दोस्तों, इतना जो है ना आठवा हिस्सा है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो यहां तक आपने देख लिया दोस्तों, ये साड़ी का आठवा फोल्ड है। ओके, मतलब आठ हिस्सों में साड़ी है दोस्तों, अभी आठवें हिस्से में साड़ी है। ये इधर डाल दिया हमने पेपर, तो ये हो गया लॉन्ड्री वाला फोल्ड है दोस्तों, जो हैंगर में भी आप लगा सकते हो। बट यही साड़ी अगर आपको रेडीमेड मतलब दुकान पे किस तरह से फोल्ड करेंगे लोग, दुकान वाला फोल्ड चाहिए तो इस तरह से होगा, ये दुकान वाला फोल्ड है दोस्तों। मतलब अगर किसी को साड़ी को बेचना है या कुछ करना है ना, तो ये साड़ी वाला हो गया। ये हो गया दोस्तों जो फोल्ड दुकान में किया जाता है वो है, बट ये भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और 9 मीटर की साड़ी है दोस्तों ये। तो बस छोटी सी वीडियो थी जो नौवार साड़ी आयरनिंग और फोल्ड किस तरह से हम करते हैं दोस्तों, ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।